दोस्तों, अक्सर बकरी पालन को लोग साधारण बिजनेस समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन उन लोगों को आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसकी सफलता की कहानी सुनकर हर कोई बकरी पालन करने को मजबूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चूरू के एक किसान ने बकरी पालन में 1.5 लाख रुपया खर्चा करके 2 साल में 10 गुना कमाई कर ली है। जबकि विदेश में 80,000 की नौकरी छोड़कर लौटने वाला यह शख्स अब मिसाल बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस शख्स की पूरी कहानी को जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। कुछ ऐसे ही कहानी है चूरू के एक किसान वाजिद खान की, जिन्होंने विदेश में अच्छी खासी वेतन की नौकरी छोड़कर अपना देश आकर बकरी पालन का कार्य शुरू किया और आज अपनी सफल कहानी के जरिए कई क्षेत्रों के लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है। और आप सबको बता दें कि चूरू के एक निकट गांव के रहने वाले वाजिद खान अब अपने गांव में बकरी पालकर एक अच्छी खासी मोटी रकम की कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, वाजिद खान का कहना है कि विदेश में नौकरी करते वक्त उसे 80,000 की अच्छी खासी वेतन मिल रही थी, लेकिन 2020 में वह विदेश से भारत आ गया और यहाँ आकर 2 ट्रक खरीद लिए। फिर उसके 1 साल बाद ही कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया और सब कुछ ठप पड़ गया। फिर इसी बीच वाजिद खान ने अपने दोनों ट्रक को बेच डाले और 1.5 लाख की पूंजी लगाकर सिरोही नस्ल की 10 बकरी और 1 बकरा खरीदकर बकरी पालन की शुरुआत कर डाली। फिर वाजिद खान बताते हैं कि बकरी पालन से उन्हें 2 साल में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आज उनके पास लगभग 100 बकरी और 1 दर्जन से ज़्यादा बकरे हैं। इतने ही नहीं बल्कि उसके फार्म में 1 नहीं 3-3 नस्ल की बकरियां मौजूद हैं और इन सारे बकरियों की कीमत की बात करें तो लगभग 15 लाख से अधिक की बकरी और बकरे मौजूद हैं। यानी महज 2 साल में ही वाजिद के पास इन्वेस्टमेंट से 10 गुना अधिक की बकरी और बकरे आ गए हैं। और वाजिद खान इन बकरियों को चलता फिरता ATM मानते हैं, क्योंकि अगर पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत कहीं भी बकरी या बकरे को बेचकर पैसा लाया जा सकता है, क्योंकि वाजिद खान के पास हर रेट की बकरियां और बकरे मौजूद हैं। क्योंकि उनके पास 3 तरह की बकरियां पाई जाती हैं, जैसे देसी, सिरोही और गुजरी नस्ल की बकरियाँ पाई जाती है, जो 14 महीने में 2 बार बच्चा देती है। जबकि सिरोही और गुजरी नस्ल की बकरियां अपने बच्चे को अच्छे से पालते हैं और दूध भी अधिक मात्रा में देती है। इस तरह वाजिद खान दूध और बकरे का मांस बेचकर अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाजिद खान की सक्सेस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी काम को मन और लगन से करने पर पैसा खुद ब खुद चला आता है। तो ऐसे ही अगर आप भी किसी कार्य को कर रहे हो तो सच्ची मेहनत और लगन से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलकर रहेगी। और अंत में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।